नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट टॉक्स पर। तो दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। यहाँ पर यूपी पुलिस ने वैकेंसी फाइनली निकाल दी है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2018 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, और 41,500 से ज़्यादा पद हैं दोस्तों। यहाँ पर 41,520 पूरे पूरे पद हैं दोस्तों, जिस पे ये एग्ज़ाम होना है यूपी पुलिस का। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई हैं दोस्तों, बिल्कुल भी लेट ना करें। और मैं आपको पूरी डिटेल्स बता देता हूँ किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, कब इंपॉर्टेंट डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों बता देता हूँ, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ दोस्तों 14 जनवरी को हो चुका था, और जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की फॉर्म, यानी कि आज 22 जनवरी 2018 से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म भरना। और ये पूरा 1 महीने चलेगा दोस्तों, 22 फरवरी 2018 तक। तो 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट डेट जो है इसकी फ़ीस सबमिशन की, वो 23 फरवरी रहेगी। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी चीज़ मैं कभी क्लियर कर देता हूँ, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या फिज़िकल रहेगा इसका, सभी चीज़ के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले बता दूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और दोस्तों बेल आइकन भी साथ साथ दबा दीजिए, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहले तो दो कैटेगरी में एग्ज़ाम होना है, जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश रिजर्व सिटीजन पुलिस और एक उत्तर प्रदेश रिजर्व टर्शियल आर्मी कॉन्स्टेबलरी। तो दोस्तों ये दो कैटेगरी हैं जिनमें एग्ज़ाम है। और उसमें भी दोस्तों जनरल की बात करें, उत्तर प्रदेश रिजर्व सिटीजन पुलिस जो है, उसमें जनरल की बात करें तो 11,761 पद हैं। ओबीसी के 6,350 हैं, और एससी के 4,939, वहीं एसटी के 470। तो कुल मिलाकर दोस्तों 23,520 पद उत्तर प्रदेश रिजर्व सिटीजन पुलिस के लिए हैं। और जो अगली कैटेगरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश रिजर्व टर्शियल आर्म कॉन्स्टेबलरी, इसमें 18,000 कुल पद हैं। इसमें जनरल की बात करें तो 9,000 पद हैं, ओबीसी में 4,860 पद हैं, एससी में 3,780, और वहीं एसटी में 360 पद हैं। तो दोस्तों ये सभी पद, ये आपकी दूसरी कैटेगरी उत्तर प्रदेश रिजर्व टर्शियल आर्मी कॉन्स्टेबलरी के लिए है। और दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें, तो दोस्तों 10+2, यानी कि आप 12th अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, और बाकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, आप 18 से 22 साल तक के मेल के लिए, मेल कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनके 18 से 22 साल तक के लिए, यानी 1/7/2018 को इसमें मान्य होगा दोस्तों। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 18 से 25 साल इसकी उम्र रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इसको 1/7/2018 से मान्य होगी दोस्तों। और दोस्तों इसका जो फॉर्म है, 400 रुपये का फॉर्म है दोस्तों, सभी कैटेगरी के लिए 400 रुपये का फॉर्म रहेगा दोस्तों, जिसको कि आप 22 जनवरी से, यानी आज से लेकर 22 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर मेल कैटेगरी जो जनरल ओबीसी एससी है, तो उसके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई दोस्तों। और चेस्ट का जो बात करें तो 79 सेंटीमीटर रिलैक्स्ड पोजीशन में, और 84 एक्सपेंडेड में, यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होना चाहिए आपका सीना दोस्तों। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट 152 मांगी गई है। और जेंडर अगर दोस्तों मेल में एसटी की बात करें तो 160 हाइट मांगी गई है, चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड करके 82 सेंटीमीटर दोस्तों। फीमेल का 147 एसटी कैटेगरी में। और दोस्तों एक फिज़िकल इफ़िशेंसी टेस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मेल कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में रनिंग रहेगी दोस्तों। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। तो दोस्तों यहाँ पे रनिंग बहुत ही मेन है दोस्तों, तो रनिंग बहुत ज़्यादा, मतलब दोस्तों अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा दोस्तों 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। और दोस्तों इसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं, अगले जो स्लाइड है उसमें सिलेबस की मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सिलेबस की बात कर लें तो दोस्तों इससे पहले बता दूँ, इसमें आपके 4 फेज़ होंगे दोस्तों, चारों फेज़ आपको क्लियर करना है, उसके बाद आपका फाइनली इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन होगा। और दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, अभी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो मोड एग्ज़ाम होना है रिटर्न एग्ज़ाम का, वो क्लियर नहीं है दोस्तों, अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ इसका। तो या तो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मोड होगा दोस्तों, आपको पता बता दिया जाएगा। तो फेज़ की बात करें दोस्तों, सबसे पहला फेज़ जो रहेगा रिटर्न एग्ज़ाम का रहेगा, जिसमें कि आपके 300 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा।
और जो अगला फेज़ रहेगा फेज़ टू, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा दोस्तों, ये क्वालिफाइंग राउंड होगा। और जो अगला फेज़ रहेगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको 4.8 किलोमीटर मेल के लिए और 2.4 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो दोस्तों। और लास्ट जो फेज़ होगा दोस्तों फाइनली फेज़ मेरिट लिस्ट और मेडिकल टेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल जो फेज़ है मेरिट लिस्ट एंड मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों। और जो दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम में जो जो सिलेबस आने वाला है मैं आपको सभी के बारे में बता दूंगा। जनरल अवेयरनेस आएगा दोस्तों, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग सिलेबस और जनरल हिंदी। और जो सभी का जो क्या क्या टॉपिक्स आएंगे दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और दोस्तों ये इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का डाउट है यूपी पुलिस से दोस्तों, किसी भी और अलग इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, इसके अलावा कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को। और अभी जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पे डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।